स्टूडेंट्स ऑफ जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डियर स्टूडेंट्स उनके ये आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस लेक्चर को ही आगे ले जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स इस लेक्चर को देखने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर को इस चैनल पे देख लेना ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम क्या कुछ सीख रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंटिन्यूअस फंक्शन एट ए पॉइंट एंड कंटिन्यूअस फंक्शन इन थ्रू आउट द डोमेन विद एग्जांपल्स हमने डिस्कस किया। नाउ इन लेक्चर इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस तब जाके वो फंक्शन क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट then we say that function is discontinuous at that particular point. इसी तरह अगर हमारे पास एक function is not continuous throughout the domain, अगर वो domain के किसी भी point पे continuous नहीं होगा तब जाके वो discontinuous function होता है। Just if a function is not continuous then it is called discontinuous function. उस वक्त हम उसको discontinuous function बोल सकते हैं। इसके बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं है डियर स्टूडेंट्स। सिंपली यू कैन रिमेंबर दिस इफ ए फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस देन दैट फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस फंक्शन। नाउ वी टेक द एग्जांपल्स ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। उसके लिए मैंने यहां पे क्लासेस बनाए हैं, उन क्लासेस को आप याद करके रखिए। Yes, you can easily find out the solution of the given question if they ask it from these classes. अगर इन क्लासेस से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आप इनको इजिली विदाउट कैलकुलेशन कर सकते हैं डियर स्टूडेंट्स। उनके लिए उनमें सबसे पहले जो क्लास है देयर कंटिन्यूअस फंक्शन दैट इज पॉलीनोमियल्स। सबसे पहला क्लास जो है पॉलीनोमियल फंक्शंस का। वी हैव इनफाइनाइट फंक्शंस व्हिच आर पॉलीनोमियल फंक्शंस, दे आर ऑल कंटिन्यूअस फंक्शंस थ्रू आउट द डोमेन। रिमेंबर दिस, जब भी आपके पास कोई सा भी पॉलीनोमियल पूछा जाएगा क्या ये कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, नेवर। जब भी पॉलीनोमियल के बारे में आपके पास कोई पॉइंट होगा विच आप दिखा लेंगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, यू कैन इजीली गिव द आंसर बिकॉज पॉलीनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस फंक्शन थ्रूआउट डोमेन। डोमेन के हर पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है, तब जाके कोई भी गुंजाइश नहीं है कि आपके पास कोई पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा। रिमेंबर दिस means polynomials are continuous function, it is true for always. Now second class of function is exponential functions. Say a raised power x, e raised power x, a b example as a raised power 3x, a raised power 5x. jab bhi aapke paas is tarah ka class hoga exponential functions ka class hoga, agar exam mein pucha jayega exponential function which of the following is कंटिन्यूअस फंक्शन, फिर एग्जाम्पल्स में एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी होगा। क्लियरली दिस एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस इन देयर डिफाइनेट डोमेन, जो इनका डिफाइनेट डोमेन होगा उस डोमेन में ये कंटिन्यूअस होते हैं जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास ऑफ फंक्शन इज दिस क्लास ऑल्सो कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ फंक्शन that is trigonometric functions. Dear students, trigonometric functions mein sine function hai, cosine function hai, tangent function hai, cotangent function hai, bahut sare infinite functions hai. Wo sare functions continuous hote in their definite domain. Ye bhi remember this. These are also infinite examples. Yahan pe bhi infinite examples aapke paas aa gayi, yahan pe bhi infinite examples aa gayi. Question pucha ja sakta hai. Now next is logarithm function, log of x, is tarah
एग्जाम्पल में आ सकता है लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ टू एक्स, लॉग ऑफ थ्री एक्स, ये भी इनफाइनाइट फंक्शन आपके पास आएंगे, क्लास ऑफ इनफाइनाइट फंक्शन। ये क्लास जो है लॉगरिथम फंक्शन का, इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस इन देयर डिफाइनेट डोमेन। रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम फंक्शन का जो डोमेन होता है ये डिपेंड्स अपॉन दिस, ये पॉजिटिव होना चाहिए, रिमेंबर दिस पॉइंट। नेगेटिव वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस नहीं होता क्योंकि इट इज नॉट डिफाइनेट। फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्स, फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ टू एक्स, फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ थ्री एक्स, उन पे ये डिफाइनेट ही नहीं है, तब जाके वहां पे ये कंटिन्यूअस भी नहीं होगा। इसके बाद लास्ट जो है रैशनल फंक्शन, इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। रैशनल फंक्शन इज ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन थ्रू आउट द डोमेन। जो इसका डिफाइनेट डोमेन होगा इट इज कंटिन्यूअस, रिमेंबर दिस। बट यहां पे एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के रिलेटेड है, दैट इज ऑलवेज आस्क्ड इन जेके एसएसबी फाइल, जेके एसएसबी के एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है, या बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। इफ यू हैव अ रैशनल फंक्शन गिवन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी हमें देखने हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे एक एग्जाम्पल लेंगे इस क्वेश्चन, अगर हमारे पास एक फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स प्लस टू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन, तब देखिए इस फंक्शन के लिए आपके पास क्वेश्चन होगा विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन। उसके लिए हमें कहां से मिलेंगे वो पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी। You can take the denominator, आपको लेना है, take denominator equal to zero, वो हम जीरो के बराबर ले रहे हैं, that is x square minus one equal to zero, we write this is equal to x square equal to plus one, take minus one in RHS, we have x square is equal to plus minus one whole square, as plus one whole square is one, minus one whole square is one, square and square will go, we will get x equal to plus one minus one. This means आपके पास प्लस वन माइनस वन दो पॉइंट है जिन पे ये रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, दैट इज पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ दिस फंक्शन इज प्लस वन माइनस वन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने इनफाइनाइट फंक्शन को देखा कि कहां पे कंटिन्यूअस है और कहां पे कंटिन्यूअस नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज रैशनल फंक्शन, ये आप जहन में रख लेना। डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन और वी कैन से सम इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम वीडियो का इख्तिताम कर ले, डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय चैनल ताकि आने वाली हर नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे, और वीडियोज अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना ताकि वो भी इनसे कुछ इस्तेफादा हासिल कर सके। Thank you, have a nice day, khush raho।